जिसको राजनीति का पता नहीं होता है, जो आदमी आप नौसिखिया होता है उसको नौसिखिया बताते हैं, कभी सास को पता नहीं है भू बन गया जगह ही नहीं होता, पहली बार सभापति बनी है, मेरे क्या नौसिखिया बताया गया, मैं प्रधान रहा प्रमुख रहा पिछले 25 साल से राजनीति करता हूँ, तथ्य की बात करता हूँ, अपना आपने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बताते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ कहाँ घूमते हैं सबको पता है। भैरू सिंह शेखावत आठवीं पास था, उसने देश का उपराष्ट्रपति बना, भैरू शेखावत ने राज चलाया। पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ के गुणना होता है। सभापति महोदय कुछ आप सोच समझ के बोलो, नौ से क्या कौन है कौन नहीं है, इस शहर का बठा बठा दिया, इस शहर की सफाई व्यवस्था में आपने क्या किया, और आज आरोप लगा रहे हो कि चैत्यों को जमीन देने के लिए मिट्टी रख दी। देखिए माननीय विधायक हरलाल जी के द्वारा जो ये पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो टिप्पणी की गई है मुझे लेकर, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। उन्हें क्या पता पढ़े लिखने के अंदर कितनी मेहनत लगती है। मैंने मेरी शादी के बाद में LLB LLM किया है, BBA और MA मैंने मेरी शादी से पहले किया, और शादी के दूसरे दिन में मेरा MA का पेपर देने गई, फिर उसके बाद में LLB और LLM जब मैंने किया था तो मेरे गोद में बच्चा था, और एक छोटे बच्चे की माँ होने के बावजूद मैंने रात भर पढ़कर ये शिक्षाएं ग्रहण करी है, और उसके ऊपर उन्होंने जो ये टिप्पणी करी है कि पढ़े लिखे लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो मैं माननीय विधायक जी को यही कहना चाहूंगी कि जो पढ़े लिखे होंगे वही घूमेंगे। अम्बेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पढ़े लिखे लोग आज IAS के पद के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, और उन्होंने हमारे राष्ट्र उपराष्ट्रपति रहे हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को उन्होंने जिस प्रकार से उनका नाम लिया है और उन्होंने जिस प्रकार से उनके नाम को इस्तेमाल किया है उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। पार्टी एक तरफ होती है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो महान पुरुष रहे हैं कम से कम उनके नाम को हम बड़े ही इज्जत और आदर सम्मान के साथ में हमें लेना चाहिए, और यही शिक्षा जो है वो दर्शाती है। शायद आदरणीय विधायक जी की टीस भी रही होगी कि वो 10वीं की जो डिग्री है फर्जी डिग्री लेने में वो कामयाब नहीं हो सके, पर मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि डिग्रियां पढ़ने लिखने से ही मिलती है, और ये टीस जो है वो आप पढ़े लिखे लोगों पर ना निकाले। चेयरमैन हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो, चाहे उनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, जब ऐसे पद पर आप सुशोभित होते हैं और हमारे द्वारा जो भी बयान दिए जाते हैं वो सभी लोग सुनते हैं, उन्हें बच्चे भी सुनते हैं, तो क्या वो बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं कि पढ़े लिखने होने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई लिखाई मत करो, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी जो है उन्हें सुशोभित नहीं करती है, और उन्हें ऐसी बयानबाजियां नहीं देनी चाहिए।